जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने किया तलब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठकें जारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी 500 लोकसभा सीटों के कन्वीनियर के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीतियों पर होगा मंथन। पश्चिम यूपी में कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद, मेरठ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ शिरकत, 12 जनवरी को बुंदेलखंड जोन की होगी बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव करेंगे बैठक, 12 जनवरी को सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से फिर होनी है बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भेजेंगे, दरगाह पर होने वाले सालाना उर्स की 12 जनवरी से विधिवत शुरुआत हो रही है, सपा नेता अखिलेश यादव भी भेजेंगे चादर। WIFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस पर क्लोजर रिपोर्ट पर आज फैसला, नाबालिग पहलवान ने वापस ली थी शिकायत, पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आया फैसला, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को माना असली शिवसेना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बरकरार रही कुर्सी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि फैसले पर सवाल उठाने वाले बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं और वे अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां भी उन्हें सबूत देने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया सच्चाई और लोकतंत्र की जीत, कहा कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और हुआ मजबूत। उधर यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने फैसले को लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट का बताया अपमान, उद्धव ठाकरे ने फैसले को मैच फिक्सिंग करार दिया है। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि फैसले का हिसाब जनता अपनी अदालत में करेगी। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया, उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया उचित, कहा कि शिंदे गुट के पास था बहुमत, इसीलिए फैसला लोकतंत्र के मुताबिक है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने ट्वीट किया, जितेंद्र आह्वाड़ ने कहा कि ये तो होना ही था, न्याय की अपेक्षा कौन करता है, जनता न्याय करेगी। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट जश्न में डूबा हुआ है, बाला साहब भवन पर शिंदे समर्थक एकत्रित हुए, वहीं मातोश्री के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वयोवृद्ध बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी जाएंगे, विहिप नेता आलोक कुमार ने दावा किया है। कांग्रेस ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराया, 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी आरएसएस ने किया मंदिर समारोह का राजनीतिकरण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस का चरित्र और चेहरा हुआ उजागर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए जाने को गलत बताया, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, हमारी लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पार्टी हिंदू और राम विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है, जिससे कि कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराए जाने पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस प्रभु को वो पहले नकार चुके हैं उनके कार्यक्रम में आने पर उन्हें शायद शर्मिंदगी होगी। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का अब तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता नहीं मिला है, आपसे जुड़े सूत्रों का है ये दावा। संघ प्रमुख मोहन भागवत को बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा का औपचारिक न्योता मिला और राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया निमंत्रण।
एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार्यसेवकों पर हुई फायरिंग जायज थी और तत्कालीन सरकार ने निभाया था संवैधानिक कर्तव्य। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर तनातनी बरकरार। जेडीयू ने कांग्रेस को देरी के लिए फिर दी चेतावनी। जेडीयू ने 17 सीटों पर ठोका है दावा। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया करप्शन की रानी। अधिकारी ने कहा कि ईडी, सीआरपीएफ और बीएसएफ पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गुवाहाटी में राज्य कार्यकारिणी के साथ चुनावी तैयारियों पर बैठक की। नड्डा ने गुवाहाटी में रोड शो भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और सुबह 10:30 बजे ईटानगर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। आम चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। एमपी के सीहोर में बीजेपी की अहम बैठक। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीतियों पर मंथन होगा। सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने फ्लावर शो भी देखा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शिरकत करने आए चेक गणराज्य के पीएम पेट्रफियाला ने किया साबरमती आश्रम का दौरा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। गेस्ट हाउस होटल में किराया 5 गुना तक बढ़ा हुआ है। लग्जरी कमरों का रेंट 1 लाख तक पहुंचा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 58वीं पुण्यतिथि है और ताशकंद में 1966 में संदिग्ध हालत में हुआ था पूर्व पीएम का निधन। ईडी ने ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर को समन भेजा है। 17 जनवरी के दिन वायकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना यूबीटी विधायक रविंद्र वायकर पर कसा शिकंजा। वायकर पर बीएमसी की जमीन पर 5 स्टार होटल निर्माण का आरोप है। ईडी की कई टीमों ने रविंद्र वायकर के ठिकानों पर रेड की थी। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद ईडी ने एक्शन लिया है। पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ। ग्लोबल लीडर्स का किया स्वागत। इस समिट के चीफ गेस्ट यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी मेहमानों ने महात्मा मंदिर कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के 34 देश शामिल हैं। 18 देशों के गवर्नर और मंत्री मौजूद। 15 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ भी समिट में पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात में इकट्ठा हुए राष्ट्राध्यक्षों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री मोजाम्बिक और राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति एक साथ नजर आए। और यहां पर मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को पीएम मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस एक गुजराती कंपनी है और हमेशा रहेगी। रिलायंस ने पिछले 10 सालों में भारत भर में 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। लेट मी डिक्लेयर येट अगेन, रिलायंस वॉज इज एंड विल ऑलवेज रिमेन अ गुजराती कंपनी। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में गौतम अडानी का ऐलान। अडानी समूह गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। गौतम अडानी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हरित आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं और सबसे बड़ा एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी और परिसर में ही शोभा यात्रा निकालने की रस्म पूरी की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अनुष्ठान में होंगे 11 यजमान और 12 अधिवास। ब्रह्मा गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल।
श्री रामलला की मूर्ति का जिस कुटिया में निर्माण किया गया है 16 जनवरी को उसी कर्म कुटी से पूजा शुरू होगी और इसके बाद मूर्ति का निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन होगा। 17 जनवरी गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा। 19 जनवरी को सुबह फल अधिवास और शाम को धान्य अधिवास होगा। 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होगा। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। कठुआ में गांव की महिलाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ खोला मोर्चा। गांव की महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में लाठियां डंडे लेकर गांव के प्रवेश द्वार पर शुरू की पहरेदारी। गांव में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों की उनके वाहनों की बारीकी से जांच शुरू हो चुकी है। गांव वालों ने अज्ञात व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की और संदिग्ध व्यक्तियों का या नशेड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। ठंड में इजाफा, 5.3 तापमान के साथ तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरा जारी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। आनंद विहार के रैन बसेरे में लोगों का लगा जमावड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सेना जवानों के हौसले बुलंद। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। परेड की रिहर्सल की तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भारी बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। गिरगांव इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झमाझम बरसात के बाद मुंबई में ठंड बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड का सितम जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं वाहन। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। आज राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा में घना कोहरा छाया रहेगा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 जनवरी तक रहेगा घने कोहरे का प्रकोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर से राहत नहीं। कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरा जारी। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। जयपुर में कड़ाके की ठंड, कोहरे की वजह धुंध के आगोश में गुलाबी नगरी। विजिबिलिटी घटने की वजह से आवाजाही प्रभावित। शीतलहर ने लोगों के मुश्किलें बढ़ाकर उनको घर में छिपने के लिए किया मजबूर। भोपाल में शीतलहर और घने कोहरे से राहत नहीं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में गिरफ्तार निखिल गुप्ता की याचिका पर अमेरिकी कोर्ट का अहम आदेश। कोर्ट ने कहा कि बाइडेन सरकार आरोपी गुप्ता को दिखाए सबूत। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के बोर्ड मेंबर में शामिल करने का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर विवेक के नाम का दिया है प्रस्ताव। विवेक अमेरिका के 21वें सर्जन जनरल हैं। चीन के दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए 20 अहम समझौते। मालदीव राष्ट्रपति ने की BRI प्रोजेक्ट की प्रशंसा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बाल बाल बची हैं। जॉर्जिया से लौटने के दौरान तूफान में फंसा विमान। वॉशिंगटन में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। विमान से उतरने के बाद कमला ने ली राहत की सांस। गाजा में कथित नरसंहार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के दायर मुकदमे का अरब लीग समर्थन करेगी और दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का आज पहला मैच है। मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। पहले मैच पर नहीं खेलेंगे विराट कोहली। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन का खेलना लगभग तय। कोहली की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल करेंगे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी। ICC की टेस्ट क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा की छलांग। टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में पहुंचे रोहित। कोहली 3 पायदान चढ़कर 6 स्थान पर पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड ने दी अहम जिम्मेदारी। इंग्लैंड लायंस के बने बैटिंग कंसल्टेंट। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश बल्लेबाजों की तैयारी में करेंगे मदद।